काम से चल रही जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब लोग ऐसी चीजें कर गुजरते हैं जो काफी मुश्किल या नामुमकिन से होते हैं। कुछ लोग हुनर से ऐसा कर जाते हैं। जो भी हो, जब लोग सच में नामुमकिन से लगने वाले कारनामे करते हैं तो इन्हें देखने का मजा कुछ और ही होता है। अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर भरोसा रख लोग कुछ अद्भुत करने के काबिल बन पाते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे हुनरबाज लोगों के बारे में जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सांप को पकड़ते लोगों को आपने जरूर देखा होगा। काफी बहादुरी से ये लोग जान पे खेल के सांपों को पकड़ते हैं। आपने फिल्मों में दौड़ते घोड़ों को रस्सी फेंक कर पकड़ते काउबॉयज को भी देखा होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का यहाँ संबंध क्या है। ये जो लड़का आप देख रहे हो, ये सांप को इस तरह से पकड़ता है जैसे कि कोई काउबॉय घोड़े को पकड़ रहा हो। ये रस्सी फेंक कर जहरीले सांप की गर्दन में फंसा देता है। कोई इंसान इस तरह का कारनामा शायद ही करता होगा, लेकिन जिस खूबी से इसने कारनामा कर दिखाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। बुल राइडिंग, ये काम कच्चे खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे अच्छों के यहाँ छक्के जुड़ जाते हैं। बुल को चिढ़ाते इस इंसान को देख आपको जरूर लग रहा होगा कि ये इंसान थोड़ा सा पागल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये मौत को बुलावा दे रहा हो। जब ये बुल उसे मारने के लिए सींग नीचे करता है तो ये बंदा उस बुल के गर्दन पे जाकर बैठता है। बिल्कुल चौंकाने वाला ये कारनामा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जीसस, ये पानी पे चलते हुए जा सकते हैं। कई जादूगर भी कुछ ऐसी ट्रिक अपनाते हैं जिससे लोगों को लगे कि ये बंदा पानी पे चल रहा हो। लेकिन जिस तरह से एक बंदा वाटर स्लाइडिंग करता है वो देख के आपकी आंखें धरी की धरी रह जाएंगी। वाटर स्लाइडिंग ये खेल वैसे भी इतना आसान नहीं होता। ये काम भी जाबाज लोगों का है, लेकिन खतरे को 100 गुना बढ़ाते हुए इस इंसान ने दौड़ती बोट से बंधी रोप को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। इससे मिली गति का सटीक अनुमान लगाते हुए ये इंसान किनारे तक पहुंच गया। अगर गति थोड़ी और ज्यादा होती तो किनारे से आगे भी ये स्लाइड करता हुआ जाता और इसे चोट भी लग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फायर फाइटर हमेशा जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाते हैं, भले ही इन्हें उसकी ट्रेनिंग मिली हो, लेकिन कौन से वक्त कौन सा खतरा सामने खड़ा है इसे कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन इनकी दिलचस्प ट्रेनिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। जैसे हॉलीवुड मूवी थॉर रैग्नारॉक में थॉर सर्टर ने छोड़े आग के लपटों को अपने हथौड़े से जिस तरह रोका, कुछ इसी तरह पानी के फोर्स से ये फायर फाइटर्स आग को रोक रहे हैं। इस तरह का वाकया आपने पहले कभी देखा था क्या? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा दोस्तों। काफी लोगों को गोल्फ खेलना पसंद होता है। वैसे तो हमारे देश में गोल्फ उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी अमीर लोग ये खेल खेलना पसंद करते हैं। आपने गोल्फ का लॉन्गेस्ट शॉट लेते हुए कई कारनामे देखे होंगे, लेकिन गोल्फ का सबसे ऊंचा और परफेक्ट शॉट देखा है? ये देखिए, इस इंसान ने सैकड़ों मीटर ऊंचाई से एक गोल्फ शॉट लगाया। ये ऊंचाई काफी थी, छोटे से होल में गेंद जाने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। लेकिन जिस तरह से ये गेंद बिल्कुल उसी होल में चली गई, इसे देख के कोई भी यही कहेगा कि इस इंसान ने इस एक शॉट के लिए सालों मेहनत की होगी। अगले पॉइंट पर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक इन्वेस्टिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। 5paisa.com is making investing easy and rewarding. 5paisa.com is one of the top brokers in India. दोस्तों, केवल 5 साल में 5paisa ने 12 लाख प्लस कस्टमर्स जोड़ लिए हैं। ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5paisa के पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसेस के वजह से। आप 5 मिनट में अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5paisa मोबाइल ऐप के थ्रू, प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। 5paisa मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई करें, पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम फिल इन करें और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ई साइन करें। 5paisa मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी FNO कमोडिटीज करेंसी गोल्ड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप फ्री में अपना मार्केट रिसर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर यू, कोड ऑफर 250 यूज करने पर आपको 250 रुपए मिलेंगे जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आज ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। ओपन योर डीमैट अकाउंट फॉर फ्री विद 5paisa एंड मेक योर इन्वेस्टमेंट इजी एंड रिवॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और प्रोमो का डिटेल्स दे दिया है। धन्यवाद।
दोस्तों, आप में से कितने लोगों को लगता है कि रेस में इंसान घोड़े को पछाड़ सकता है? खुद मुझे भी नहीं लगता था कि कोई इंसान रेस में कभी किसी घोड़े को पछाड़ सकता होगा, लेकिन मैं भी गलत साबित हो गया। ड्वेन चैम्बर्स नाम के एक इंसान ने घोड़े से रेस लगाने की जुर्रत की। 100 मीटर की ये रेस जब शुरू हुई तो सभी ने यह मान लिया था कि घोड़ा ही इस रेस को आसानी से जीत जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल कुछ अंतर से इंसान ने घोड़े को हरा दिया और सदियों से लोगों का भ्रम था कि घोड़ा इंसान से तेज है, ये हमेशा के लिए टूट गया। साइकिलिंग बहुत से लोगों का पैशन हो सकता है। कोई तेज साइकिल चलाता है तो कोई साइकिल पे बेहतरीन स्टंट करके दिखाता है, लेकिन शायद ही किसी ने भी साइकिल पानी में चलाने की हिम्मत की होगी। जी हाँ, पानी में साइकिल चलाना। ये जो आप देख रहे हो, इन लोगों ने पानी में साइकिल रेस आयोजित की है। इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले स्पर्धकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सुविधा की होती है। जैसे कोई भी आम साइकिल रेस होती है, वैसे ही ये रेस होती है, लेकिन पानी में हमारी गति काफी कम हो जाती है, इसीलिए कोई भी साइकिल तेज बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाती। हर साइकिलिस्ट को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। भाई जो भी हो, लेकिन पानी के अंदर साइकिल रेस देखने का मजा ही कुछ और होता है। रूफटॉप पार कर, ये खेल कभी भी आसान नहीं होता। असल में ये खेल पूरी तरह से इलीगल है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और घरों की छतों पर दौड़ते हुए जाना और ऊपर से जानलेवा करतब करना, यही होता है रूफटॉप पार कर। ये खेल खेलने के लिए वैसे भी साहस की काफी जरूरत होती है, लेकिन इस महाशय ने तो हद ही कर दी जनाब। इस बेहद ही खतरनाक बिल्डिंग के छत पर चढ़ के ये स्लाइड करते हुए नीचे की ओर, ये कारनामा इतना खतरनाक था कि देखने वाले की सांसें रुक रही थी। जिस तरह अब जरा इस महाशय की ओर देखिए, जिन्होंने हजारों फीट ऊंचा मेटल का टावर चढ़ लिया और वो भी बिना किसी सेफ्टी के। इन दो बंदों ने तो इससे भी ऊंचे टावर को चढ़ लिया, जहां से बिल्डिंग्स भी काफी छोटी नजर आती हैं। विंग सूट फ्लाइंग कई युवकों का पसंदीदा खेल है। इस खेल में बड़े से पहाड़ या हेलीकॉप्टर से विंग सूट पहन के लोग कूद जाते हैं। इस विंग सूट के सहारे काफी देर तक ये हवा में तैर रहे होते हैं। इसका मजा ही कुछ और होता है, लेकिन जिस तरह से ये बंदा अपनी पीठ पर एक लड़की को बिठाकर विंग सूट फ्लाइंग कर रहा है, शायद ही ऐसा हर कोई कर पाता होगा, क्योंकि ये काफी जोखिम भरा है। ये लड़की इसके पीठ पर इस तरह से बैठी है जैसे कि ये किसी रिक्शा की सवारी कर रही हो। ये सच में कमाल लगता है। कहते हैं हमेशा हार्डवर्क करो, हार्डवर्क से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से काम करने की वजह से हमारी मेहनत बच जाती है और काम भी हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये साइकिल रेस चल रही थी। लोग बड़ी मेहनत से तेज साइकिल चला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस इंसान ने जरा अलग ही सोची। ये साइकिल की सीट पर तिरछा होकर लेट गया और हवा का प्रतिकार कम महसूस हो इस स्थिति में आ गया। इससे हुआ ये कि इसकी गति अपने आप ही बाकी साइक्लिस्ट से ज्यादा हो गई, क्योंकि उन्हें हवा का सामना ज्यादा करना पड़ रहा था। इसके इस सोच की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, आपने बैलेट डांस टीवी पे या इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। इसमें लड़कियां ज्यादातर अपने पैरों के टो पर डांस करती हैं। इसमें एक मूव होती है जिसमें खुद के चक्कर ज्यादा से ज्यादा बार लगाने पड़ते हैं। कई बार तो ये एक बार में ही बिना रुके 5 से 8 चक्कर लगा लेती है, लेकिन क्या कोई इंसान महज हाथ या पैरों पे 25 से ज्यादा चक्कर लगा सकता है? ये सुनने में काफी ज्यादा मुश्किल ही नजर आती है, लेकिन जरा इसे छोटे से बच्चे की ओर देखिए, जो अपने पैरों पे नहीं बल्कि अपने हाथों पे उल्टा होकर बस एक ही बार में कितने ज्यादा चक्कर लगा रहा है। ये दिखने में जितना ज्यादा मुश्किल लगता है उतना आसान है नहीं। देखिए किस खूबी से इस बच्चे ने 30 से ज्यादा चक्कर लगा भी लिए। कमाल है भाई। दिल बहलाने के लिए दूर कहीं जंगल में वक्त बिताना अच्छी बात है, लेकिन जंगल में बस एक बाइसिकल लेके खतरनाक स्टंट को अकेले अंजाम देने को आप क्या कहेंगे? ये बंदा जबरदस्त हुनर का मालिक है। खतरनाक सी लगने वाली जगहों से जिस तरह से साइकिल दौड़ा रहा है वो कमाल है। गति की वजह से चढ़ाव पे मिलने वाली ऊंचाई को कंट्रोल करके जिस तरह से जमीन पर साइकिल की सॉफ्ट लैंडिंग करता है, उसके बारे में क्या कहने है? अगर आप गौर करोगे तो बिना रुके महज एक ही बार में ये सारे स्टंट पूरे कर रहा है। आप सोचिए इस करतब के लिए इसने कितनी मेहनत की होगी। लगन, हिम्मत, साहस और कड़ी मेहनत ही इस करतब के पीछे का राज है। पूल को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, क्योंकि ये खेल काफी डिसिप्लिन से खेला जाता है। बाकी गेम में जैसे लकीस्ट मोमेंट्स होते हैं, वैसे ही मोमेंट्स इस गेम में भी होते रहते हैं, लेकिन अब जो मोमेंट्स आप देखोगे वो भी लकीस्ट मोमेंट नहीं बल्कि ये हुनर का कमाल है।
देखिए ये बंदा जिस तरह पूल पे कमाल की ट्रिक्स परफॉर्म करता है, ऐसा शायद ही कोई कर पाता होगा। पूल शॉट के जरिए एक कॉइन को बॉटल के अंदर पहुंचाना सच में काबिले तारीफ ही कहा जाता है। अगला शॉट भी कुछ इसी ट्रिक का कमाल है। जब बॉल को शॉट लगाने पर ये सीधा पानी से भरे गिलास में जा गिरता है, गजब लगता है ये देखकर। इसका नेक्स्ट वर्जन जब बॉल को पानी के गिलास में उछालते हुए दूसरी गेंद को पॉकेट में पहुंचाना बिल्कुल भी आसान नहीं लगता। अब इस कॉइन शॉट के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। कहते हैं कि लहर की उल्टी दिशा में तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अक्सर आपके डूबने का कारण बन जाता है। लेकिन जरा इस जांबाज लोगों को देखिए कैसे तेज बहती लहर के उल्टी दिशा में रुख कर अपने बेड़े को पानी में खड़ा कर पाने में सफल हो रहे हैं। इस तेज लहर की गति में कोई भी नौसिख या इंसान तो डूब ही जाएगा, पल भी वो खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन इन लोगों में जो हुनर है वो काबिले तारीफ है। इन्होंने सीख लिया है कि किस तरह से लहर उल्टी दिशा में बढ़ते हुए खुद को संभाला जा सकता है। ये तेज समंदर की लहरों पे सर्फिंग करने जैसा ही है, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल नजर आता है।